चलो बाबू देखो, सो तुम्हारे टेंथ क्लास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लाइट। वैसे चैप्टर में का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं हम लोग को। लाइट में ध्यान से सुना, ये लाइट का जो टॉपिक है ये 8 क्लास से स्टार्ट होता है, 7 में ही शायद होता है, 8 या 7 में था, पढ़े कभी? अरे 8 7 में था, 8 में रहा होगा शायद, है ना? हाँ, लाइट का वहाँ पर डिस्कस था, बेसिक डिस्कस वहीं हो जाता है, लेकिन 10 क्लास में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना है हायर क्लास में। तो देखो, लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइट के गुणों के बारे में स्टडी करने का एक ब्रांच होता है फिजिक्स का। फिजिक्स का एक ब्रांच है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। ओके, तो ऑप्टिक्स कई भी वर्ड लगा रहे, समझना लाइट के बारे में स्टडी होगा। तो फिजिक्स का एक अलग से क्या हो जाता है, जैसे साइंस का 3 पार्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलते हैं इस तरह हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मली, उसी तरह फिजिक्स में भी ब्रांच है। तो फिजिक्स में जिसमें लाइट के बारे में स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लाइट क्या होता है ये तो तुमको पता है। ओके, तुमने बोला कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सर ऊर्जा क्यों है, एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम किसी चीज को क्या कर पाते हैं, देख पाते। देखो, लाइट इटसेल्फ इनविजिबल, क्या मतलब है? प्रकाश खुद में अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है, बट प्रकाश के मदद से हम लोग किसी चीज को देख पाते। लेकिन लाइट खुद दिखाई, लाइट दिखाई दे रहा है, वो तो बल्ब दिखाई दे रहा है, वो तो ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है, लाइट थोड़ी दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, ये तो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। लाइट इटसेल्फ इंडिविजुअल, बहुत अच्छी बात बोले कि ना बोले, प्रकाश खुद में क्या है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मदद से, उसके इफेक्ट से, उसके प्रभाव से किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझे बात को? तो ये चीज समझना है। डेफिनेशन नहीं लिखाने वाले, एग्जाम में ये भी नहीं आएगा 10th क्लास में कि व्हाट इज लाइट। बस तुम्हारे क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लाइट क्या है। ओके, तो लाइट एनर्जी का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमारी जो आंखें हैं उन वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो, जैसे रात को अंधेरा हो जाता है, तो क्या वस्तु देख पाते हो? कभी लाइट कट जाती है तो देखने में दिक्कत हो जाती है, जबकि लाइट तुम्हारा आंख सही सलामत है फिर भी देखने नहीं दिखाई देता। ओके, अभी मतलब सर अंधा रहेगा आदमी तो कहाँ होगा, लाइट रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, तब तो अलग प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंसान का प्रॉब्लम है। ठीक है, समझे? तो लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, और जो हमको क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में, इतना क्लियर है। अब सुनो अच्छा सा, अब जो इंपॉर्टेंट बात सुनो, लाइट का सही डेफिनेशन तो 10th क्लास में यही है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स, माने ये हमको किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, बस इतना ही बोलोगे। ठीक है जी, ध्यान दो इधर, कहाँ खोई हो, है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइट के बारे में हो गया, लेकिन लाइट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। ओके, जैसे कोई बच्चा बोला कि सर लाइट जो है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत, तो हम लोग पढ़े थे वेव 9th क्लास में, याद करो वेव। तो मैंने बोला कि जैसे साउंड एक वेव है, तो लाइट भी क्या है? लाइट एक वेव है, समझे? अब वो भी ऐसा वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत, लाइट एयर से भी पास करता है, प्रोपेगेट करता है, प्रोपेगेट यानी कि संचरित होता है, चलता है। ओके, लाइट वाटर से भी चलता है, लाइट वैक्यूम से भी चलता है, और साउंड वैक्यूम से होकर के प्रोपेगेट नहीं करता है, यानी साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए यानी चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ओके, इसलिए हम लोग उसको बोले थे, याद है तुम लोग को, लाइट साउंड को क्या बोले थे? एक पढ़े थे हम लोग ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद आया? एक पढ़े थे एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव, याद है? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत है, लेकिन लाइट जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसी को बोलते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आजकल जो सही डेफिनेशन है लाइट का, जो परफेक्ट डेफिनेशन है, बाद में समझ आएगा सर ईएम वेव सब क्या है, वैसे वेव के बारे में हमने 9th में डिस्कस किया हुआ है। लाइट का सही डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन, फिट डेफिनेशन है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस इतना याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं इसे बता रहा हूँ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना। ठीक है, इतना समझ आ गया? लाइट क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी माध्यम से गुजर सकता है, पास कर सकता है, भेज में गया। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय
ये सही परिभाषा है, ये हमें अभी तक सही है, थ्योरी जितनी भी है सारी थ्योरी पे ही लागू होती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, चलो बात बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये हायर क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन मैंने बता दिया कि वेव है। लाइट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो अभी हम लोग जो 10th क्लास में हमारा जो पूरा डिस्कशन का जो मुद्दा रहेगा, फोकस रहेगा, वो इस बात पर रहेगा कि लाइट जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन रियल में ऐसा, लाइट एक वेव है, लेकिन लाइट की कुछ प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो उस प्रॉपर्टी से डिफाइंड हो जाती है। लेकिन कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है, बहुत सारी ऐसे फिनोमिना है लाइट से रिलेटेड, जो लाइट इस तरह चल रहा है स्ट्रेट लाइन में उससे बोलो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, इस उससे ये बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए लाइट का वेव नेचर लिया जाता है। कौन लिया जाता है? ओके, जैसे एक इंटरफेरेंस का घटना है, इंटरफेरेंस जब लाइट आपस में मिलता है तो वो इंटरफेरेंस, एक है डिफ्रैक्शन, ये सब हायर क्लास की बात है। लेकिन जो अभी डिस्कस करने वाले चैप्टर में हम लोग, वो लाइट की जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो भी फिनोमिना पढ़ेंगे, वो फिनोमिना इस बात से एक्सप्लेन हो जाएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, बात समझा? लाइट किस में ट्रैवल करता है सर? स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? सीधी रेखा में लाइट कैसे चलती है? सीधी रेखा। ओके, ये बात अभी 10th क्लास में वैलिड है, और इससे कुछ बातें बोलो एक्सप्लेन हो जाती है, बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। अब कौन सा लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में, लाइट तो दिखता ही नहीं है, तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि हम लोग, तुम लोग 10th क्लास 8th क्लास में था कि एक एक्सपेरिमेंट था कि मोमबत्ती ले लो, ओके, मोमबत्ती लेकर के एक जगह जला दो और एक कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड में छेद कर दो, दूसरा कार्डबोर्ड छेद करना और उसके पास एक व्हाइट स्क्रीन ले लो, वहां पे कोई वस्तु रख दो, कोई ऑब्जेक्ट रख दो, उसका छाया बन जाएगा, शैडो बन जाएगा पीछे, क्या बन जाएगा? या लाइट एकदम तुमको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा आता हुआ उसका रास्ता, पाथ दिखाई देगा, लाइट का क्या दिखाई देगा? रास्ता दिखाई देगा, पाथ दिखाई देगा, और छेद से होल से होकर देखोगे। ओके, तो इसलिए हम बोले लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश किसी में चलती है? सीधी रेखा में गमन करती है, समझे बात को? तो प्रकाश का वो जो गमन है, वो जो प्रोपेगेशन, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या बोलते हैं, एक रैखिक गमन, गमन यानी रैखिक संचरण, एक रेखा में चलना। लाइट कितना चलता है? तो आप सुनो, अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, और वो जो बॉडीज है लाइट से रिलेटेड वो भी बात करने वाले हैं, okay, जो तुम बताए हो कि लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी। ओके, चलो देखो लाइट कैसे चलती है बाबू, देखो लाइट स्ट्रेट लाइन में, तो लाइट जिस पाथ पे चलती है स्ट्रेट लाइन में, जिस पाथ पे चलती है उस पाथ को हम लोग बोल देते हैं रे, क्या बोल देते हैं बाबू? रे, क्या बोल देते हैं? रे, हिंदी में बोलते हैं किरण। हेलो, क्या बोलते हैं? तू है मेरी किरण, सुना होगा ना, सुनोगे? सुनाते हैं, सुनाते हैं, वही उसी को सुनाएंगे, अभी चिंता नहीं करो। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द पाथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स दैट इज कॉल्ड रे, माने वो पाथ जिसके अलोंग लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, चलती है, उसको बोलते हैं, उस पाथ को बोलते हैं, उस रास्ता को बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं? समझ को, द पाथ ऑफ द लाइट ट्रेवल दैट इज कॉल्ड रे, किरण, क्या बोलते हैं इसको? किरण। तो एक किरण, तो मैंने एक किरण दिखाया, यहाँ पे एक रे दिखाया, कितना किरण दिखाया? एक किरण, लेकिन किरण क्या होगी जब लाइट आ रही है यहाँ से, तो कितनी रे आएगी? बहुत सारी रे ना आएगी, तो इसका बंडल आता है, बंडल ऑफ रेज, क्या बोलते इसको? बंडल ऑफ रेज, अब उसको अब अच्छा भाषा में बोलते हैं बीम ऑफ रेज, क्या बोलते हैं? या लाइट बीम्स बोलते थे उसको, लाइट बीम्स, बीम मतलब बहुत सारा रेज, तो बहुत सारे रे को मिलाकर बोलते हैं बीम, बी बी ई ए, बीम, बीम ऑफ लाइट, या लाइट बीम्स बोल देते हैं। हिंदी बोलते प्रकाश पुंज, क्या बोल देते हैं? प्रकाश पुंज, ये है प्रकाश किरण, लाइट रे, क्या बोलेंगे इसको? और बहुत सारा रे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश पुंज, लाइट बीम्स, किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है, समझा? तो ये एक लाइट रे हो गया, इसको क्या बोलोगे? रे, रे, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे इसको? रे, किरण, क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? तू है मेरी किरण, देखो यहाँ गाना लगाएंगे, डोंट वरी। अब सुनो, बहुत सारा लाइट रेज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बीम, लाइट बीम, क्या बोलते हैं? लाइट बीम बोल देते हैं, या बीम ऑफ लाइट बोल दो, लाइट बीम्स, लाइट बीम, ओके, या इसको हिंदी में बोलते हैं किरण पुंज, क्या बोलते हैं? हिंदी तो इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन हिंदी में ना, एक जगह लिखा रहेगा किरण पुंज, एक जगह लिखा रहेगा प्रकाश पुंज, एक जगह लिखा रहेगा किरण माला, डिफरेंट डिफरेंट हिंदी बुक पर लिखा रहेगा किरण माला, कभी किरण पुंज है, कभी किरण माला है, कभी प्रकाश पुंज है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हिंदी है, कुछ बुक राइटर कुछ लिखते हैं, कुछ राइटर कुछ लिखते हैं, ठीक है, तब सबका मतलब लेकिन वही है। ये बात कौन बताया? सर बताया, क्योंकि सर बहुत बुक को पढ़ के आए हैं, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ओके, तो प्रकाश पुंज का मतलब बहुत सारी किरणों का समूह, बहुत सारी किरण को मिलाकर बोलते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज या किरण माला। माला मतलब माला बनता है तो उसमें क्या दाना रहता है, एक दाना रहता है, बहुत सारा दाना रहता है, इसलिए इसको माला बोल दिया गया, लो किरण माला। ठीक है रे, ए शैतान का साला, क्या बोलोगे इसको हिंदी में, प्रकाश पर शैतान का साला, हम बोले प्रकाश पुंज तो बोल रहा है, हिंदी में क्या बोलोगे इसका, प्रकाश पुंज या किरण माला, क्या बोलोगे, किरण माला, बहुत तो किरण है यहाँ, ए वो किरण नहीं मिल रही है यहाँ, बहुत तो किरण है। चलो चलो, अब इसमें तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, सुनो अच्छा से ध्यान देना, देखो क्या हो रही है यहां से, ध्यान देना, किरण क्या हो रही है यहां से बताओ, जा रही है, जा रही है किरण यहां से, जा रही है नाराज होकर के, जा रही है किरण बाहर निकल रही है, इसको बोलते हैं किरण बाहर हो रहा है, निकल रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। ओके, तो किरण यहां से फैल रही है, एक पॉइंट से क्या हो रही है, फैल रही है, फैल रही है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम, कौन बीम, हाँ फैल रही है। अब एक और ले बनाता हूं, लो 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 लो, जैसे लाइट सोर्स होता है, एक लाइट सोर्स है, जैसे एक लाइट सोर्स बल्ब है, बल्ब से लाइट सब क्या हो रहा है, फैलता रहता है, तब तो सब तरफ रोशनी मिलता है, तो डाइवर्जिंग बीम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम, कौन बीम, जल्दी बोलो, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ, बीम मतलब बम्मा, हाँ बहुत सारा लाइट रेज, बी प्रकाश पुंज, हिंदी में इसको बोलते हैं, ए? देखो ना, देखो ना क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग, क्या बोलते इसको, अपसारी, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी तो बड़ा मजेदार है, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज की प्रकाश पुंज, अरे ये लिख देते हैं खाली प्रकाश पुंज लिखते हैं, प्रकाश पुंज दिख रहा है, देखो तो बुबू दिख रहा है, हम दिखियो, हम थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, सर गलत बात है ये, हम ही नहीं दिख रहे, फिर मजा क्या आएगा, अब दिख रहे हैं प्रकाश पुंज का चीज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी मतलब डाइवर्ट हुआ, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, एक पॉइंट से फैल रहा है, फैल रहा है, इसलिए इसका नाम है अपसारी। अब कुछ बुक में पढ़ो हिंदी तो लिखा रहेगा अपसिर्थ हो रहा है, पर ये अभी तो और गजब वर्ड है, अपसिर्थ हो रहा है, हिंदी इतना कंफ्यूजिंग बट है आसान समझने के बाद। ठीक है चलो, उसके बाद है, फिर से मैं बना रहा हूं, फिर से बना रहा मैं, सर आप तो बहुत टेढ़ा बनाती हो, हम लोग का क्या होगा, क्या हो रही है, एक पॉइंट पर आके क्या हो रही है, मिल रही है, यहां एक पॉइंट से क्या हो रही थी, एक पॉइंट से फैल रही थी, यहां पर एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है, जमा हो रही है, क्या हो रही है, जमा हो रही है। तो सर ऐसा हो सकता है बहुत सारी लाइट रेज एक जगह जमा हो जाती है, ओके कलेक्ट किया जाता है, मिरर से कलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ज हो रहा है, जमा हो रहा है, कन्वर्जिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओके तुम लोग अभी यहां पर कन्वर्जिंग हो कि डाइवर्जिंग हो, तुम लोग स्टूडेंट सब कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग हो, कन्वर्ज हो गए, एक स्टूडेंट एक क्लास में आकर के एक स्टूडेंट में आकर बैठ गया, कन्वर्ज हो गया, सो कन्वर्जिंग का पावर समझो, एक जगह पढ़ना बहुत जरूरी है, कन्वर्जिंग बीम, कौन बीम, कन्वर्जिंग बीम, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, अभिसारी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिसारी, क्या बोलोगे इसको, अभिसारी किरण पुंज, क्या बोलो जी, अभिसारी, कौन सारी, सारी के फाल साथ तूने मैच किया रे, देखो प्रकाश पुंज, हिंदी लिखने में मुझे इतना दिक्कत होने लगा ना आजकल, क्या बोले, हिंदी आता नहीं, खाली टीचर बन गया, फिर टीचर हो गया, देखो ओके, अभिसारी किरण पुंज और अभिसारी, ये अभिसारी, अभिसारी मतलब जमा होना, अभिसारित होना, अभी सबको जमा होना बोलो, अभिसारित होना, अभिसारित होना, अपसारित होना, अपसारित मतलब अपसारित, फैल जाना, और ये जमा होना, फैल जाना, जमा होना, ठीक है, दो समझ में आ गया। तो लाइट बीम प्रकाश पुंज किसको बोलते हैं, किरणों के समूह को, बहुत सारे रेस के बंडल को बोलते हैं, बंडल ऑफ रेस आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट या लाइट बीम्स, एंड दीज आर थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज डाइवर्जिंग, सेकंड इज कन्वर्जिंग, एंड थर्ड इज, आराम से देखो यार, टुई बोलो, टुई टुई बोलो ने, टुई टुई, देखो थोड़ा अच्छा बन रहा हूँ, देख दो बना अच्छा, क्या हो रहा है, देख रहे हो सब, न तो फैल रही है और न ही जमा हो रही है, न कन्वर्जिंग है
ना डाइवर्जिंग है, इनको बोलते हैं पैरेलल रेज। क्या बोलती है इनको? पैरेलल बीम्स, पैरेलल बीम्स। समझ आया? क्या बोलोगे इसको? पैरेलल बीम्स, ओके। एंड हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे बाबू? समांतर किरण पुंज। जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? समांतर किरण पुंज। समझे? क्लियर हो गया? पैरेलल बीम या किरण, फिर किरण लिखा गया, चुट्टी किरण जगह साथ में छोड़ती है। हम उसको एकदम सोच रहे ना आए जवान पे ऐसा भाई नाम आ जाती है, ठीक है। समांतर किरण पुंज और प्रकाश पुंज, क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ? तो प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक हो गया डाइवर्जिंग, एक बिंदु से फैलने वाला, अपसारी, अप्सरा, अप्सरा फैलने वाली, समझे? हाँ। आइए हो गया डाइव कन्वर्जिंग, एक बिंदु पे जमा होता हुआ, अभिसारित होने वाला। अरे हो गया पैरेलल बीम, इसका एग्जांपल बल्ब से जो निकल बल्ब का है, ये बल्ब से निकल रहा लाइट जो है सब डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? तब तो पूरा रूम में दिख रहा है। और इसका एग्जांपल सोच सकते हो कुछ, बहुत सारा लाइट को वो जमा कर देता है, जैसे सन से आने वाली लाइट रेस को, तो एक लेंस लेंगे, लेंस से उसको जमा कर सकते हैं एक पॉइंट पे, सबको इकट्ठा करके लेंस को जमा कर देंगे, तो उसको बोलते हैं कुंज कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, ओके। और जैसे लाइट, सन बहुत दूर है ना अर्थ से, ये 1 किलोमीटर दूर है, पकड़ लो जा करके, लिया घर में पकड़ लो, खाना उसी से पकाना है ना, बहुत दूर है कि नहीं है? इतना दूर है, ए ध्यान दो इधर, इतना दूर है, इतना दूर है, ओके। वहां से जो लाइट आ रही है, तो बहुत दूर से लाइट अगर ऐसे भी आ रही हो तो हमको पैरेलल ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? पैरेलल ही दिखाई देगा। तो सन से आती हुई लाइट रेज, या ये बोलो बहुत दूर से आती हुई लाइट रेज हमको पैरेलल ही दिखाई देंगी, पैरेलल होती है। तो जब भी मैं बोलूंगा कि एक एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स किसको बोलते हैं? जो लुमिनस बॉडी होती है उसको लाइट प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स बोलते ना। तो लाइट सोर्स कितने तरह का होता है? जैसे सुने होंगे, एक नेचुरल लाइट सोर्स होता है, लाइट प्रकाश स्रोत, जिससे लाइट निकलता है। एक लुमिनस बॉडी पर है, लुमिनस बॉडी जिसका अपना लाइट हो, जैसे सन, सन क्या है? लुमिनस बॉडी है। जैसे कैंडल, कैंडल के पास अपनी, बल्ब के पास अपनी लाइट है, देते हैं केमिकल एनर्जी, देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देते हैं तो लाइट आता है। तो ये सब लुमिनस बॉडी है। लेकिन क्या पंखा जल रहा है क्या? क्या एहसान सर जल रहा है क्या? क्या बोर्ड जल रहा है क्या? तो ये सब नॉन लुमिनस बॉडी है, मानी जो जिसका अपना लाइट बल्कि दूसरे की लाइट के हेल्प से इसको देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन है। सारी बातें एक्सप्लेन की जाएंगी, सो डोंट वरी, ओके, जस्ट वेट। देखो वो मिस्टर, जिंदा हो ना तुम, जिंदा हो, इधर इधर, हाजरा हाजरा हाजरा, अच्छा सर, क्या समझा? तो लुमिनस बॉडी या नॉन लुमिनस बॉडी समझा? अब जो लुमिनस बॉडी हो गया वो लाइट सोर्स की तरह काम करेगा, उसका अपना लाइट होगा। जैसे सन, मून जो है वो नॉन लुमिनस बॉडी है, ओके, अदृश्य पदार्थ है, अदृश्य वस्तु है, जिसका अपना प्रकाश वो सूरज की रोशनी में दिखाई देती है। अब सुनो, लाइट सोर्स तीन प्रकार की होती है, मुंह से बक देता हूं सब, बस क्यूरियोसिटी के लिए, ज्ञान के लिए। लाइट सोर्स यानी प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की होती है? एक होती है जो कि नेचुरल होती है, जैसे सन, सन क्या है? नेचुरल ना, क्या तुम बनाई हो? ससुर जी बनाए हैं, तो नेचुरल है, नेचुरल पड़ा हुआ है सनलाइट। तो सन का जो लाइट है वो लाइट सोर्स है, लेकिन वो नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पर कुदरत ने दिया है, हमें प्रदान किया है फ्री का, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड बोल सकते हो, आर्टिफिशियल मैनमेड, मानव के द्वारा बनाया, जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, जैसे कि कैंडल, जैसे कि लालटेन, लालटेन है ना, जैसे कि और बोले ना दिव्या, अरे दिया, दिया जिसको बोलते हो है ना, एक दिन दिया बोले थे, दिया नाम की एक लड़की थी, बोले सर हमको क्या जला रहा है? वो जला रहे, तुमको देखा रहे, दिया जलता है, कहते हुआ दोवा। एक और कोई सोर्स बताओ जिसका पास अपना लाइट है, कोई एक और सोर्स, एक सोर्स तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, दो तो मैंने बता दिया, नेचुरल और आर्टिफिशियल, थर्ड बताओ, बताओ सोचो। एक होता है बायोलॉजिकल, क्या होता है? हाँ, एक नाम सुने बोला रात को, हाँ हाँ कोई तो बोल दी, कौन बोल दी, किसे नाम बोल दिया? जुगनू चट्टी, जुगनू जानती हो कौन है? हाँ जुगनू साहब बोल रही है, अरे जिसको भगजुगनी बोलते रहे, भगजुगनी जो बोलते हैं अपने भाषा में, भगजुगनी नहीं बोलता, भगजुगनी भाई, जुगनू बोलते हैं उसको, ठीक है। फायर फ्लाई भाई अंग्रेजी बोलते, फायर फ्लाई, वहाँ हमको अंग्रेजी आता है ना, फायर फ्लाई। तो भाई जो जुगनू होता है ना, जुगनू के पास बायोलॉजिकल है, क्योंकि जीव है ना वो, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, तो उसके पास लाइट होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है वहाँ पे, लाइट का कोई फंडा है, ओके, बट उसके पास लाइट तो है ना अपना, तो वो भी लुमिनस बॉडी है, बट वो लाइट सोर्स है, लेकिन वो लाइट सोर्स कैसा है? बायोलॉजिकल है। तो तीन तरह का लाइट सोर्स होता है, एक नेचुरल लाइट सोर्स, सेकंड इज मैन मेड, मानव निर्मित,
और एक हो गया बायोलॉजिकल, जिसमें फायर फ्लाई सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो मैंने तुमको ज्ञान के लिए बता दिया। उसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो इसमें सारा इसी पर आधारित सारी बातें करनी है हम लोगों को। तो जो स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होता है, रास्ता होता है, उसी रास्ता को बोलते हैं किरण। और किरण के समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज या किरण माला या प्रकाश पुंज, लाइट बीम। तीन तरह की होती है लाइट बीम, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इन सभी को नोट करो तो आगे चलते हैं। ओके ओके करो।